साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बीते साल ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक रिकॉर्ड बना है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व मौसम संगठन WMO ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बातें बताई हैं। लू, बाढ़, सूखा, जंगलों में आग और तेज होते समुद्री तूफानों के कारण फसलों और आम लोगों के जीवन पर खतरनाक प्रभाव पड़ा है। फसलों पर विपरीत असर से वैश्विक उपज में कमी ने खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की समस्या मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे खाद्य असुरक्षा बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व में खाने की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या 149 मिलियन से बढ़कर 330 मिलियन यानी कि 33 करोड़ हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, धरती के तापमान, समुद्री सतह पर बढ़ती गर्मी, समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी के साथ अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें धरती पर बढ़ता खारापन भी शामिल है। इससे अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।